So welcome everyone. In this video, we are going to discuss your doubts of bitset problems on function 2. उसमें दो क्वेश्चन में आपको डाउट है. क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐसा बोला गया है कि फंक्शन आपका डिफाइन है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, वेर माइनस वन इज इंक्लूडेड, टू जीरो टू ई टू द पावर फाइव, ई टू द पावर फाइव इज ऑल्सो इंक्लूडेड. इट इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस टू. एक्स क्यूब है कि एक्स स्क्वायर है, जस्ट चेक वंस. अगर आपके पास वो बुक है तो इफ आई एम एक्सपांडिंग इट इज एक्स क्यूब, करेक्ट. अभी आपको चेक करना है मेनी टू वन है, वन टू वन है, ऑन टू है, वो सारी चीजें हम कैसे चेक करेंगे वन बाय वन, बोलो. मेनी टू वन या वन टू वन चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? इफ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, सिंप्लीफाई करें, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ वन टू वन है, हाँ या ना, ठीक. सो लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू e to the power x cube minus 3x minus 2 or exactly 1 1 equal to e to the power x2 cube minus 3x2 minus 2. अब मुझे बताओ e to the power x क्या आपका 1 to 1 function है? अगर वो 1 to 1 function है, okay गौरी, okay. So गौरी telling sir ये application of derivative वाला chapter है, हाँ, चलो ठीक है. So we'll modify it later. Exactly, this is your AOD. ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 cube minus 3x1 minus 2 equal to x2 cube minus 3x2 minus 2. ये cancel. अब यहाँ पे तो हम अटक जाएंगे. x1 x1 square minus 3 equal to x2 x2 square minus 3. फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो one to one check करने के लिए एक option आपके पास ये है जहाँ से हम आगे नहीं बढ़ सकते. आगे क्या होगा पता नहीं. आगे नहीं बढ़ सकते. तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? जब हम आपका फंक्शन टू चैप्टर पढ़ रहे थे, याद करो आपके नए मॉड्यूल में से पढ़ रहे थे, जो संगीत में से कुछ कुछ बना के आपको दिया गया था नया मॉड्यूल, उसमें हमने एक पॉइंट देखा था वन टू वन फंक्शन की स्पेशलिटी. बोलो, आइदर इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, क्या मैं उसे वन टू वन बोल सकता हूँ? यस. तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखने के लिए हम f(x) चेक करेंगे. सो हियर if f of x is equal to e to the power x cube minus 3x minus 2, तो उसका differentiation क्या होगा? Let us check. So therefore f dash x is equal to e to the power x cube minus 3x minus 2 as it is. Then again differentiation of x cube minus 3x minus 2. So therefore this is equal to e to the power x cube minus 3x minus 2. इधर हो जाएगा आपका 3x square minus 3. x का 1, 2 का 0. So this is 3x square minus 3, या 3 को आप कॉमन भी निकाल सकते हो एक स्टेप आगे, x square minus 1, और ये e to the power x cube minus 3x minus 2. अब मुझे बताओ e to the power x तो always आपका positive होता है, e to the power x वाला ग्राफ आप सबको याद होगा, हाँ या ना, right? e to the power x का ग्राफ कैसे होता है? Suppose this is y axis, this is x, so ये होता है ना, this is your graph of e to the power x. Please give me some response, everyone. So this is always positive. Even ये zero भी नहीं होता है. X square minus one, you know that x square is greater than or equal to zero. But यहाँ पे जो आपको input दिया गया है वो minus infinity to minus one है. So x अगर आपका minus infinity to minus one है, तो x square की value क्या होगी? ये अगर minus infinity to minus one है, implies x square is greater than or equal to one. Am I correct? If x square is greater than or equal to one, then x square minus one is greater than or equal to zero. This is greater than or equal to zero, हाँ या ना? अगर ये greater than or equal to zero है, ये positive है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, ये जो product होगा, that is f dash x, that will be greater than or equal to zero, क्योंकि x equal to one पे एक term zero हो जाएगी, तो सब zero हो जाएगा. So f dash x is greater than or equal to zero implies your function is increasing function. If your function is increasing function, then it is one to one function. तो यहाँ पे आपका one to one वाला आ गया. चलो अब आपको देखना है ऑन टू. ऑन टू के लिए आपको देखने पड़ते हैं उसकी रेंज, कि उसका रेंज और कोडोमेन दोनों सेम आ रहा है या नहीं. कोडोमेन आपको दिया जीरो टू पावर जीरो से लेके ई टू द पावर फाइव तक. अब आपको यहाँ पे कोडोमेन चेक करना है. कैसे चेक करोगे कोडोमेन?
फंक्शन आपको क्या दिया गया, योर फंक्शन इज ई टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2। इनपुट आपका क्लियर है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। क्या यहां से हमें एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2 की वैल्यूज मिल सकती है, हाँ या ना? क्या इन इक्वालिटी में अगर दोनों तरफ सेम वेरिएबल है, क्या आप उसे ऐड कर सकते हो, याद करो, हाँ या ना? नो, एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। आपको याद होगा, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे एक तरफ आपका एक्स स्क्वायर है, एक तरफ एक्स है, एक तरफ वन है, तो इसकी अगर हमें इनइक्वालिटी फाइंड करनी होती थी, हम इसे क्या करते थे, हम इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे, समथिंग जो भी होता हो, राइट? यहाँ भी एक तो बस मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, फिर यहाँ से हम ये फाइंड करते थे, मतलब इनइक्वालिटी में एक ही वेरिएबल अगर दो तरफ ऐड हो रहा हो, हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते उसको, उसका साइन के टर्म में एक एग्जाम्पल भी दिया था जब हम ये चैप्टर देख रहे थे तभी, मतलब M17 वाला देख रहे थे आपके क्लास में, बोर्ड पे करते थे वो टाइम पे, याद है एवरीवन? आई थिंक वो वाला एग्जाम्पल यही था, मतलब साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन, तो साइन 0 से 1, ये 0 से 1, बट ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ये -1 to 1, ये 0 to 1, तो इन सबको ऐड करो तो -1 to 2 आएगा, ओके? ये आपको और प्रिसाइज मिलेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, इजंट इट, हाँ या ना? डू यू रिमेंबर दिस? यहीं पे अप्लाई करते हैं, लेट एक्स इज -1 to 1, याद है कि नहीं? पहले मुझे बताओ तो मुझे पता चलेगा मुझे शुरू कहाँ से करना है। विष्णु को याद है, फिर आगे स्टूडेंट्स? क्या मैं आगे बढ़ूं? नहीं याद है, चलो ठीक है, वेट, पहले इनइक्वालिटी का एक रूल समझ लो। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज ये, चलो मान लो यहाँ पे कंडीशन दी गई है -1 < x > 1, तो एक्स स्क्वायर के बारे में आप क्या बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर 0 to 1 के बीच में हो जाएगा, हाँ या ना? अब आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है, इसकी रेंज फाइंड करनी है, और केस वन जो जनरली लोग ये गलती करते हैं कि एक्स स्क्वायर 0 to 1 के बीच में, एक्स -1 to 1 के बीच में, 0 < x > 1, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 < x > 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 - 2 < x² + 2x + 3, फिर सभी जगह पे ये वाला ऑप्शन करते हैं -1, सो -2 - 1 = x² + 2x - 1 = 3 - 2 - 1 इज -3, x² + 2x - 1 = 2, और ये आंसर करके फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वो क्वेश्चन के अंदर हो या पर्टिकुलर ये पूछा गया हो, उस तरीके से आगे बढ़ते हैं, बोर्ड्स हो गया, सेट हो गया, ये एक कॉमन मिस्टेक देखी जाती है। केस टू, अगर यहाँ पे मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरी लास्ट टर्म आएगी +1, +1 लाने के लिए ऑलरेडी -1 है, तो मुझे -2 करना पड़ेगा, या +1 - 2 विल बी -1, तो बैलेंस, ये आपका हो जाएगा x + 1 होल स्क्वायर - 2। जनरली हम ये कैसे करते हैं, लास्ट टर्म इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर बाई 4 × फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि एक्स -1 to 1 के बीच में है, ठीक, -1 < x > 1, तो x + 1 क्या होगा, -1 + 1 = 0, दिस इज x + 1 < 1 + 1। अब स्क्वायर अप्लाई करो तो 0 square 0, x + 1 होल स्क्वायर, 2 square is 4, अब 2 में से माइनस कर रहा हूँ तो 0 - 2 < x + 1 होल स्क्वायर > 4 - 2, सो -2 < x + 1 होल स्क्वायर - 2 > 2, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, x + 1 होल स्क्वायर - 2 आपका यहाँ पे आएगा -2 to 2, दिस इज योर करेक्ट आंसर, एंड दिस इज द मिस्टेक जो जनरली लोग गलती करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अभी याद आ रहा है? तो वहां पे मैंने एक रूल दिया था कि दो वेरिएबल अगर एक साथ आपके पास हो, इनइक्वालिटी करना हो, तो दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यू नीड टू थिंक लाइक दिस, करेक्ट है? दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ऐसा करके, सर एक्स का जो वैल्यू दिया गया है उसको स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो उसको रेंज के साथ मैच करके देख सकते हैं, यस विष्णु, वो कर सकते हैं, हाँ।
जैसे ये केस में विष्णु सजेस्ट कर रहे हैं कि एक्स वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन अगर हम रखें तो एट एक्स इक्वल टू और एट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स क्यूब टेंस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस थ्री एक्स आपका हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी एंड दिस इज माइनस टू। तो वो अब आपका क्या होगा एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि वो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा या प्लस इन्फिनिटी होगा क्योंकि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी साथ में आ गया। एट एक्स इक्वल टू माइनस वन अगर आप रख रहे हो तो एफ ऑफ माइनस वन ई टू द पावर माइनस वन माइनस माइनस प्लस थ्री माइनस टू तो ये हो जाएगा ई टू द पावर जीरो। एम आई करेक्ट? माइनस माइनस प्लस थ्री माइनस टू और ये माइनस वन माइनस माइनस वन माइनस वन थ्री जीरो ई टू द पावर जीरो वन एफ ऑफ माइनस वन आपका वन हो जाएगा बट आपको आंसर जीरो टू ई टू द पावर फाइव दिया है। ई टू द पावर फाइव आएगा ही नहीं बट हाँ बट वेट ऐसा भी तो हो सकता है ना आपका फंक्शन का कर्व समथिंग ऐसा हो जाए जहाँ पे अभी ये जो बाउंड्री वैल्यूज मिल रही है जो विष्णु आप बोल रहे हो एंड वैल्यूज राइट माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन वो आपकी रेंज तब होगी जब यहाँ पे ये फंक्शन आपका पूरा वन टू वन हो वो है वो पूरा फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है वो हमने देख लिया। तो माइनस इन्फिनिटी से इनपुट की वैल्यू है आपके पास माइनस वन माइनस वन पे आंसर मिल रहा है वन ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो माइनस इन्फिनिटी पे ऐसे ही जाना चाहिए तो इन्फिनिटी भी नहीं होगा दिस विल बी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो तो आंसर जीरो टू वन आना चाहिए। आपको दिया है जीरो टू ई टू द पावर फाइव। वेट 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 मैंने गलती की मैंने गलती की मैंने गलती की वेट क्वेश्चन में प्लस टू दिया है स्टूडेंट्स सो वन मिस्टेक फ्रॉम माय साइड क्वेश्चन से जब लिख रहा था तो इधर प्लस टू कर दिया क्योंकि तो मैं वही सोचू मैं सोचू मैंने किया था तब ई टू द पावर फाइव तो आ गया था ये एग्जैक्टली प्लस टू है माय मिस्टेक। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं करेक्ट और वही आपके नेगेटिव मार्क्स ले जाती हैं तो थोड़ा ध्यान देना जैसा भी मेरे से हो गई वैसे आपसे हो सकती है फ्यूचर में। दिस वॉज वन एग्जाम्पल वो इनइक्वालिटी का काम आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये तो क्वेश्चन मार्क है ही यहाँ पे तो थ्री प्लस टू फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वापिस कंफ्यूजन तो भी अब एक्स क्यूब है तो माइनस वन क्यूब माइनस वन माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री प्लस टू थ्री प्लस टू फाइव माइनस वन अब फोर आ गया अभी फोर आ गया सर वहाँ पे ई पर फाइव स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है सर कर्व ब्रैकेट है तो ई पर फाइव इंक्लूडेड नहीं होगा। अच्छा नहीं स्क्वायर दिया ना ये रहा वही ये मैंने किया था मैं आपको दिखाता हूँ हाँ ये संगेज का क्वेश्चन है ये रहा ये ऑलरेडी डिफाइन है हाँ तो इन टू होगा राइट ई टू द पावर फोर वही आया अभी हमारा ऑन टू नहीं होगा तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी ई टू द पावर फोर आएगी पता चल रहा है ना एवरीवन हमने क्या किया सो एट माइनस वन यू विल गेट ई टू द पावर फोर सो रेंज ऑफ एफ विल बी जीरो टू ई टू द पावर फोर नॉट ई टू द पावर फाइव सो दिस इज वन वन एंड इन टू हाँ एग्जैक्टली आपका सेंगेज का क्वेश्चन है
चलो जाए नेक्स्ट, ये क्लियर है गौरी? लास्ट वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ, ई टू दी पावर फोर कैसे आया, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखी है, माइनस इन्फिनिटी पे हम डायलेमा में थे कि माइनस या तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी होगा या ई टू दी पावर इन्फिनिटी होगा। फिर ई टू दी पावर इन्फिनिटी हमने क्यों अवॉइड किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया कि आपके इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो माइनस वन पे ई टू दी पावर फोर आएगा, एंड इधर माइनस इन्फिनिटी पे वो फिर जीरो होना चाहिए, तभी वो इंक्रीजिंग होगा, राइट? सो दिस शुड बी एक्सेप्टेड, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी टेंस टू जीरो एंड दिस शुड बी रिजेक्टेड। इज दिस क्लियर एवरीवन? कैन वी मूव टू नाउ योर थर्ड डाउट, मतलब थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। गौरी क्लियर? हर्षिता, मनोज, कल्पना, राधिका, दिलीप, वर्षा, विष्णु, हर्षिता, अभिजय, आई गेस। जाए नेक्स्ट पे थर्ड। सर माइनस इन्फिनिटी का क्यूब होगा तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि पावर में माइनस इन्फिनिटी होगा। हाँ वो भी है, बट वही इन्फिनिटी अपने आप में एक वो है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, आई गेस यू कैन टेक। चलो क्वेश्चन थ्री, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस टू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। If f of x is equal to tan inverse x whole square plus 2 upon tan inverse x whole square plus 2 upon root x square plus 1, इरफान नहीं आया ना आज क्लास में, root x square plus 1 चेक करो, लास्ट टाइम देख लिखने में गलती हुई थी, प्लस का माइनस, tan inverse x whole square plus 2 times root x square plus 1, then f of x is increasing in which interval? सर हाँ सर, वो हमें आंसर में जीरो से ई टू द पावर फोर में मिल रहा, लेकिन क्वेश्चन में तो ई टू द पावर फाइव तक था ना। हाँ, इसीलिए जो आपको आंसर में दिया है दैट इज कोडोमेन, जीरो से ई टू द पावर फाइव। अब जब रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ सेम हो, वो आता है आपका ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ सेम नहीं है, दैट इज योर इन टू फंक्शन। तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, दैट्स व्हाई आवर फंक्शन इज इन टू फंक्शन। क्लियर गौरी? ओके सर। हाँ, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसमें वो कोडोमेन दिया गया, ये रहा जीरो टू ई टू द पावर फाइव, हमारा जीरो टू ई टू द पावर फोर, इसलिए हमने इनटू वाला टिक किया ना, वन वन एंड वन टू इनटू, यही आंसर दिया ना आपको डी। हाँ सर। चलो अब इधर ये इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में, वो आपको फाइंड करना है। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन नाउ। कहाँ गया इसका ये, चलो दूसरा प्लॉट कर देता हूँ ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, सेम कंसेप्ट, इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो ले लेंगे एंड वहां पे फिर एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो लेट अस फाइंड हियर एफ डैश एक्स फर्स्ट। सो एफ डैश एक्स टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर टू टाइम्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट वर्षा? चलो वन अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, पावर आगे पावर में एक का माइनस, माइनस हाफ माइनस वन, माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, हा या ना? माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, माइनस हाफ इंटू माइनस सॉरी माइनस हाफ माइनस वन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन का वापस चेन रूल, सो दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू टू कैंसल, माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द पावर माइनस थ्री बाई टू, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन टू एक्स प्लस वन का जीरो, दिस इज टू एक्स। यहाँ तक क्लियर है? हाँ है ना? वन प्लस एक्स स्क्वायर में कॉमन निकाल सकता हूँ, टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आपके पास बचेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, एम आई करेक्ट? वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ एफ डैश एक्स। नाउ सिंस दे आर टेलिंग दैट एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, चलो मुझे बताओ टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या ये पॉजिटिव होगा, क्या टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा ऑलवेज? हाँ या ना? टू तो पॉजिटिव एंड वन प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ये वाली दूसरी टर्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट मीन्स टेन इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, एम आई करेक्ट?
tan inverse x should be greater than x upon 1 plus x square to the power half. चलो implies. अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं? x upon under root 1 plus x square. सी समझो यहाँ पे tan inverse x is greater than x upon 1 plus x square to the power of. Suppose, let. नहीं, ऑप्शन आपको जीरो टू इन्फिनिटी और ये सब दिया गया है. ऑप्शन मैच करने का ऑप्शन सोच सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, नन ऑफ दिस भी है तो फिर पहले सोचते हैं कि अगर नॉर्मल तरीके से कुछ हो सकता है. चलो टेन इनवर्स एक्स है, मुझे इनवर्स दूर करना हो तो क्या मैं पहले एक्स को टेन थीटा ले सकता हूँ? समझना, अगर एक्स को टेन थीटा में ले रहा हूँ, ये टेन इनवर्स टेन थीटा, वो थीटा कब होता है? टेन इनवर्स टेन थीटा कब होता है? जब थीटा आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में हो. एम आई करेक्ट? ओपन इंटरवल. और एक्स आपका कहाँ पे होना चाहिए? एक्स शुड बिलोंग्स टू आर, राइट? सारी वैल्यू पॉसिबल है. चलो ये ग्रेटर देन टेन थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर हाफ, वन प्लस टेन स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा टू द पावर हाफ. हाफ मीन्स स्क्वायर रूट, तो मोड सेक थीटा होगा. एम आई करेक्ट? क्योंकि वो स्क्वायर रूट है तो इधर मोड सेक थीटा होना चाहिए. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. चलो मोड सेक थीटा के दो आंसर पॉसिबल हैं, आइदर सेक पॉजिटिव या नेगेटिव. वो किस पे डिपेंड करेगा? थीटा की वैल्यू पे. चलो थीटा की कौन सी वैल्यू पे सेक थीटा पॉजिटिव होगा एंड थीटा की कौन सी वैल्यू पे सेक थीटा नेगेटिव होगा? सेक कौन कौन से क्वाड्रेंट में डिफाइन है? जीरो टू पाई आया ना, ऑल एस टी सी, मतलब sec inverse आपका 0 टू पाई माइनस पाई बाई टू, याद है ना? एवरी वन 0 टू पाई माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू वाला पॉइंट तो निकाल ही देंगे. अब यहाँ पे हमारा पाई तक तो जा ही नहीं रहा है, थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में पाई बाई टू ऑलरेडी नहीं है, तो इधर 0 टू पाई बाई टू ही लेना पड़ेगा. सो इम्प्लाइज थीटा शुड बी ग्रेटर देन टेन थीटा अपॉन sec थीटा. हियर वी आर टेकिंग थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू. एम आई करेक्ट? हाय ना, बिकॉज sec थीटा या sec इनवर्स वहीं पे डिफाइन है. sec इनवर्स की बात करूँ तो ठीक है, हो जाते हैं. सो यस, जीरो इंक्लूडेड. थीटा ग्रेटर देन, चलो tan sin by cos, sec 1 by cos, sin by cos 1 by cos ये कैंसल. सो इम्प्लाइज योर थीटा शुड बी ग्रेटर देन sin थीटा. इम्प्लाइज आई कैन से sin थीटा शुड बी लेस देन थीटा. और वो वापस आपको पता ही है कि ये इनइक्वालिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है. जीरो लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन पाई बाई टू. थीटा आपका क्या है? थीटा इज नथिंग बट योर टेन इनवर्स एक्स. इफ एक्स इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इज टेन इनवर्स एक्स. आपको एक्स की रेंज निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स रख रहे हो, टेन इनवर्स एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू. अब वापस tan अप्लाई कर रहे हो, सिंस tan इज इंक्रीजिंग फंक्शन, आप tan डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. tan 0 tan ऑफ tan इनवर्स x x, tan पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 इनफाइनाइट होगा. हाँ या ना? सिंपलाइज x शुड बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट. बट आपको ऑप्शन में ओपन इंटरवल दिया गया है. पीछे आंसर ये दिया गया गौरी, ओपन इंटरवल वाला जो आपने टिक किया है. यस सर. सॉल्यूशन किस तरीके से दिया है? सेम मेथड, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 पे टेन थीटा 0 होगा, सेक 0 1 होगा. हाँ, थीटा इक्वल टू 0 उन्होंने इसलिए एक्सक्लूड किया होगा, नहीं तो विष्णु समझो, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 पे ये इनइक्वालिटी नहीं होगी, ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगी. थीटा इक्वल टू 0 पे एलएचएस 0 है, RHS 10-0-0, sec 0-1, so 0 equal to 0, 0 is not greater than 0, but 0 is equal to 0, am I correct? हाँ या ना? क्योंकि sec theta, हाँ, mode sec के लिए, yes, 0 आना चाहिए, but ठीक है, so I agree, इसलिए इधर आपका 0 हो जाएगा open. अब पीछे आपको answer किस तरीके से दिया गया है solution, गौरी? जस्ट चेक, उन्होंने शायद अलग मेथड भी की हुई.
सर उन्होंने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स लेके कंपेयर किया है। ठीक है, आप मुझे उसका फोटो भेज देना, आई विल चेक। हाँ सर। ओके चलो, तो यहाँ पे आपके ये वाले डाउट हो गए। ओके हाँ यस, रेशनल स्पेलिंग अगर ये आता तो नन ऑफ, ओके क्लोज इंटरवल 1 to ∞ आता तो यस सेम, कोई भी यही करता, बट ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चेक करना। चलो अब आगे बढ़े, अब दिलीप आपके डाउट देखें, राइट। गौरी आपके बाकी के बहुत सारे डाउट है, एग्री, बट हम सब बैलेंस करके जा रहे हैं, तो दिलीप के अभी तक हमने स्टार्टिंग से कोई डाउट नहीं लिए, सो लेट अस टेक नाउ डाउट्स ऑफ दिलीप। ओके तो गौरी, लास्ट टाइम हमने आपके जितने इम्पोर्ट किए थे एटलीस्ट वो तो खत्म हो गए,